हेलो दोस्तों, मैं हूं सूरज और स्वागत करता हूं आपका मेरे चैनल पे। आज हम कवर करने वाले हैं नाउन। पिछली क्लास में हमने कवर किया था एडवांस वर्ब को, आज हम कवर करेंगे नाउन को। और नाउन में हम पढ़ेंगे नाउन की काइंड्स, सिंगुलर टू प्लूरल, मैस्कुलिन टू फेमिनिन, जितने भी हैं वो सारे हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो मैं आपको बता दूं कि हमारी ग्रामर की सीरीज चल रही है प्लिंटो पैरामाउंट बुक से। मैं प्लिंटो पैरामाउंट बुक कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा हूँ, जितने इसके टॉपिक्स इसमें चैप्टर्स दिए हुए हैं। तो वही आज हम नाउन के बारे में पढ़ेंगे, और आज मैं कोशिश करूंगा कि नाउन का हर एक फैक्ट और जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ में आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले बस रिक्वेस्ट है, वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना हो सके शेयर करें। चलिए देखते हैं। हमारा पहला है नाउन। नाउन होता क्या है? सबसे पहले तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। या फिर अ नाउन इज अ वर्ड यूज एज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। मतलब किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को क्या कहा जाता है? संज्ञा कहा जाता है। इन अदर वर्ड्स, अ नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। दूसरे शब्दों में कहें तो नाम क्या है, संज्ञा क्या है? बस नाम है। मतलब इस दुनिया में जितने भी नाम है सारे क्या है? संज्ञा है। ठीक है, अब बात करूं इसकी काइंड्स की, तो काइंड्स में इसके आपको पांच मिलेंगे, कहीं कहीं पे आपको इसके दो मिलेंगे। ठीक है, पहला मिलेगा आपको काउंटेबल नाउन और दूसरा मिलेगा अनकाउंटेबल नाउन। लेकिन यहाँ पे जो दिया हुआ है वो है पांच फॉर्म में इसको डिवाइड किया गया है। पहला है प्रॉपर नाउन, दूसरा है कॉमन नाउन, यानी कि पहला प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा, तीसरा कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा, चौथा मैटेरियल नाउन द्रव्यवाचक संज्ञा, और पांचवा अब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा। अब इनके बारे में हमें पार्टिकुलरली पढ़ना है कि ये होते क्या क्या हैं। तो देखो, सबसे पहला है प्रॉपर नाउन। मैं यहीं पे आपको क्लियर करवा देना चाहता हूँ कि प्रॉपर नाउन का मतलब क्या हुआ। प्रॉपर नाउन का मतलब हुआ कोई खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान, अ प्रॉपर पर्सन, प्लेस और थिंग। ठीक है, और कॉमन का मतलब क्या हुआ? कॉमन का मतलब जो कॉमन हो। ठीक है, जैसे मैं यहीं पे एग्जाम्पल अगर मैं लू, जैसे मैंने कहा, जैसे यहाँ पे देखो मैंने किसी पर्सन का नाम लिया, मैंने कहा रमेश। ठीक है, मैंने कहा रमेश, रमेश इज अ बॉय, रमेश इज अ बॉय। तो अब मैंने कहा रमेश इज अ बॉय, तो रमेश यहाँ पे हो जाएगा प्रॉपर नाउन। ठीक है, लेकिन बॉय यहाँ पे हो जाएगा कॉमन नाउन। क्यों? क्योंकि अगर मैं क्लास में जाता हूँ, अगर कोई क्लास में टीचर है वो बोलता है रमेश स्टैंड अप, रमेश खड़े हो जाओ, तो वहां पे सिर्फ रमेश ही खड़ा होगा। ठीक है, सारे बॉयज नहीं खड़े होंगे, लेकिन वहां पे अगर वो बोल दे बॉयज स्टैंड अप तो सारे बॉय खड़े हो जाएंगे, क्योंकि बॉय क्या है? बॉय जो है वो कॉमन नाउन है। क्लियर हो गया होगा आपको? तो यहाँ पे यही डिफरेंस है प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन के बीच में। अब अगला जो है वो है कलेक्टिव नाउन। तो कलेक्टिव नाउन क्या होता है? तो कलेक्टिव का नाम से ही पता चल रहा है, इसका मतलब होगा समूह या झुंड। ठीक है, और उसके बाद क्या है? मटेरियल। तो मटेरियल के नाम से ही पता चल रहा है, किसी भी द्रव की बात की जाएगी, जैसे है मिल्क है, वाटर है, ब्लड है। अब्स्ट्रैक्ट नाउन लेक्स्ट, तो अब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है भाववाचक संज्ञा। तो बोलते हैं ना कि मतलब वो बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे देखो गुडनेस, ठीक है, बैडनेस, ये सब क्या है? ये सब बात होती है अब्स्ट्रैक्ट नाउन की। ठीक है, अब देखो क्या दिया हुआ है बुक में कि प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन से हमारा तात्पर्य है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम से होता है। ठीक है, मतलब क्या? जैसे राम, दिल्ली, गीता एटसेट्रा। तो देखो दिया हुआ है राम इज माई फ्रेंड और आई लिव इन दिल्ली। तो यहाँ पर जो राम है जो ब्लैक कलर से किया गया है वो क्या है? यहाँ पे प्रॉपर नाउन है, और दिल्ली क्या है? प्रॉपर नाउन है। अगर मैं कहूँ यहाँ पे सिटी, तो जैसे ही मैंने सिटी लिया तो सिटी का मतलब इंडिया में जितने भी सिटी हैं वो सारे सिटी के नाम बात हो जाएगी, तो ये हो जाएगा कॉमन नाउन। लेकिन यहाँ पे पार्टिकुलरली कहा जा रहा है कि दिल्ली। ठीक है, तो जो दिल्ली कहा गया तो मतलब कोई खास, ठीक है, शहर की बात की जा रही है, तो यहाँ पे दिल्ली क्या हो जाएगा? हमारा प्रॉपर नाउन हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया आपको? प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे कॉमन नाउन के बारे में दिया हुआ है, जिस नाउन से एक वर्ग या जाति के व्यक्ति या वस्तु का बोध हो उसे कॉमन नाउन कहते हैं, जैसे किंग, बॉय, गर्ल, सिटी एटसेट्रा। मतलब क्या? जैसे मैंने कोई नाम लिया उससे पूरी जाति का बोध हो जाए, ठीक है, और पूरे क्या वर्ग का बोध हो जाए, उसे हम कहेंगे कॉमन नाउन। जैसे दिया हुआ है देखना, अकॉर्डिंग टू द बॉय द नियरेस्ट टाउन इज वेरी फार। अब यहाँ पे राम था, तो राम के जगह पे यहाँ पे देखो क्या बॉय का यूज हुआ है, तो बॉय का है यहाँ पे, तो बॉय यहाँ पे हो जाएगा कॉमन नाउन। अब यहाँ पे देखो टाउन में यहाँ पे दिल्ली का नाम था, लेकिन यहाँ पे ना होकर के यहाँ पे टाउन दे दिया गया, तो ये क्या है? हमारा कॉमन नाउन हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे देखो दिया हुआ है
द बॉयज आर गोइंग टू द नियरेस्ट विलेज। अब किसी विलेज का खास नाम नहीं है यहाँ पे, बोला जा रहा विलेज मतलब इस भारत में जितने भी विलेज है सबकी बात की जा रही है, ठीक है। मतलब इस दुनिया में जितने भी विलेज है सबकी बात हो जाएगी, कोई प्रॉपरली विलेज का नाम यहाँ पे नहीं, इसलिए हो जाएगा कॉमन नाउन। क्लियर हो गया आपको? आपको अब देखिए अगला जो दिया हुआ है वो है कलेक्टिव नाउन। तो कलेक्टिव नाउन मैंने आपको बताया कलेक्टिव का मतलब ही क्या होता है, झुंड, ग्रुप, ठीक है। तो दिया हुआ है जिस नाउन से, जिस नाउन से समूह का बोध हो या जिस संज्ञा से समूह का बोध हो उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं, और हिंदी में से कहते हैं समूहवाचक संज्ञा, जैसे टीम, कमिटी, आर्मी एटसेट्रा। तो यहाँ पे देखो दिया हुआ क्या है, सामान्यतः कलेक्टिव नाउन का प्रयोग सिंगुलर में होता है। सामान्यतः कलेक्टिव नाउन का प्रयोग जो है किसमें होता है, सिंगुलर में होता है। इनका प्लूरल में इनका प्रयोग प्लूरल में तभी किया जाता है जब मतभेद दर्शाया जाए। कहने का मतलब है जो मोस्टली जो होते हैं कलेक्टिव नाउन वो क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं, लेकिन जब इनमें मतभेद हो जाता है, ठीक है, इनमें भिन्नता दिखाई जाती है, तब इनका यूज जो है वो हम प्लूरल नाउन के रूप में करते हैं। जैसे यहाँ पे देखना दिया हुआ है द फ्लॉक ऑफ गीज, ठीक है। फ्लॉक ऑफ गीज का मतलब हुआ हंसों का झुंड। तो यहाँ पे दिया हुआ है द फ्लॉक ऑफ गीज, ये हो गया हमारा क्या, कलेक्टिव नाउन, ठीक है। और इनके साथ स्पेन्स यानी सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया गया। उसके बाद है मोस्ट ऑफ इट्स टाइम इन द पास्ट, ठीक है। तो यहाँ पे बात हो जा रही है क्या, कलेक्टिव नाउन की। कलेक्टिव नाउन के साथ हम किसका यूज करें, स्पेंट्स का, स्पेंट्स सिंगुलर नाउन है। उसके बाद देखो द जूरी इज डिसाइडिंग द मैटर, यहाँ पे जूरी का मतलब होता है जो पंच लोग होते हैं ना, पांच पंच बैठ के फैसला करते हैं, उसी को कहते हैं हम जूरी। तो देखो जूरी में देखो अभी डिवाइड नहीं हुआ है जूरी, ठीक है। वो क्या कर रहा है, वो अपना फैसला मतलब क्या मैटर पे वो डिसीजन ले रही है। तो वही यहाँ पे दिया हुआ है कि इज का प्रयोग क्या है यहाँ पे, सिंगुलर नाउन के रूप में, ठीक है। यहाँ पे ये सिंगुलर नाउन हो गया हमारा जूरी, इसलिए सिंगुलर वर्ब इज का प्रयोग किया गया। उसी तरह से है थर्ड देखना सी द कमिटी। कमिटी का जो स्पेलिंग है वो याद रखिएगा, COMMITTEE होता है। और मीट्स, तो इनके साथ जो वर्ब का यूज किया गया वो सिंगुलर का, ठीक है, एवरी वीक। तो कमिटी क्या है, तो कमिटी यहाँ पे कलेक्टिव नाउन है, और कलेक्टिव नाउन के साथ किसका यूज किया जा रहा है, तो सिंगुलर वर्ब का यूज किया जा रहा है। दैट्स क्लियर। अब देखो आगे क्या बोल रहा है, नंबर डी में देखिएगा द टीम आर। अब यहाँ पे आर की बात हो रही है, तो टीम तो कलेक्टिव नाउन है, लेकिन यहाँ पे आर क्यों लगाया गया है, तो समझिएगा आर क्यों लगाया गया है, डिवाइडेड ओवर द इश्यूज ऑफ द कैप्टनशिप। मतलब कैप्टनशिप के मुद्दे पर जो है टीम क्या हो गई, बट गई। टीम अब बट गई, मतलब सबका अब क्या हो गया, इंडिविजुअल जो है, देखो यहाँ पे दिया हुआ है कि टीम क्या हुई, बट गई, ठीक है। मतलब सब अपना अपना मत दे रहे हैं, ठीक है, सब क्या दे रहे हैं, अपना अपना मत दे रहे हैं। तो जब अपना अपना मत दे रहे हैं तो डिवाइड हो गई, तो इसलिए यहाँ पे हमने प्लूरल वर्ब का यूज किया है, तो द टीम आर डिवाइडेड ओवर द इश्यूज ऑफ कैप्टनशिप। उसके बाद है ई में देखिएगा द ऑडियंस हैव टेकन देयर सीट्स। अब देखो ऑडियंस तो यहाँ पे कलेक्टिव नाउन है, लेकिन क्या ऑडियंस ने अपनी अपनी सीट ले ली, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक ही सीट पे तो सब बैठेंगे नहीं, सब अपनी अपनी सीट ले ली, तो इसीलिए यहाँ पे प्लूरल वर्ब हैव का यूज किया गया है। और यहाँ पे देयर यानी कि क्या हो गया है, यहाँ पे प्लूरल प्रोनाउन का प्रयोग किया गया है, ठीक है, ऑडियंस के लिए देयर का प्रयोग किया गया है। क्लियर हो गया होगा आपको बहुत अच्छे से। अब हम देखेंगे मटेरियल नाउन के बारे में, मटेरियल नाउन होता क्या है। तो जिस नाउन से ऐसे पदार्थ का बोध होता है जिससे दूसरी वस्तुएं बन सके उसे मटेरियल नाउन कहते हैं, ठीक है। मतलब जिससे दूसरी वस्तुएं हम बना सके उसे मटेरियल नाउन कहते हैं, जैसे सिल्वर, आयरन, वुड, ईटीसी। देखो अब यहाँ पे क्या है, द नेकलेस इज मेड ऑफ गोल्ड। नेकलेस जो है किससे बनता है, तो गोल्ड से बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, गोल्ड का यूज हमने किया है, तो गोल्ड क्या है, मटेरियल नाउन है। सी हैज परचेज अ टी सेट ऑफ सिल्वर, उसने क्या एक चांदी का जो है टी सेट खरीदा, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या है, सिल्वर जो है वो भी मटेरियल नाउन है। और यहाँ पे वुड है, ही गॉट हिज फर्नीचर मेड ऑफ टेक वुड। तो यहाँ पे जो वुड है ना, वुड, तो लकड़ी भी जो है यहाँ पे क्या है, मटेरियल नाउन के रूप में यूज किया जा रहा है। आगे पढ़ेंगे यहाँ पे दिया हुआ, मटेरियल नाउन काउंटेबल नहीं होते, मटेरियल नाउन्स को हम गिन नहीं सकते, ठीक है, इनकी गिनती नहीं की जा सकती, इन्हें मापा या तौला जा सकता है, इन्हें सामान्यतः सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है इनके साथ, और इनके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो भूलकर भी इनके पहले आप आर्टिकल का प्रयोग ना करें, और इनके साथ प्लूरल वर्ब का यूज ना करें, हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज करें, और इन्हें गिनने की कोशिश ना करें, ठीक है, इन्हें मापा या तोला जाता है। अब नेक्स्ट जो है वो है एबस्ट्रैक्ट नाउन। देखो एबस्ट्रैक्ट नाउन का मतलब होता है भाववाचक संज्ञा। तो एबस्ट्रैक्ट नाउन
जिससे गुण भाव एवं क्रिया अवस्था को व्यक्त करते हैं और जिन्हें छुआ नहीं जा सकता, सिर्फ जिसे क्या किया जा सकता है, महसूस किया जा सकता है, जिसे हम फील कर सकते हैं, उसे हम कहते हैं अबस्ट्रैक्ट नाउन। देखा नहीं जा सकता बल्कि केवल महसूस किया जाता है, जैसे ऑनेस्टी, ऑनेस्टी का मतलब ईमानदारी, ब्रेवरी, ठीक है। उसके बाद हेटरेड, लाफ्टर, पुअर्टी, यूथ, तो ये सब क्या है, इन सब चीजों को हम देख नहीं सकते हैं, ठीक है। पुअर्टी, गरीबी, गरीबी को हम देख नहीं सकते, लाफ्टर नहीं देख सकते, ये सब, तो ये सब चीजें हैं जिनको हम रखते हैं अबस्ट्रैक्ट नाउन के कैटेगरी में। अब है, अबस्ट्रैक्ट नाउन का प्रयोग सामान्यतः सिंगुलर में किया जाता है, इनके साथ में हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, जैसे पीपल रिस्पेक्ट हिज सिंसियरिटी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। क्लियर है? अब देखो यहाँ पे क्या है, ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है, याद रखिएगा। नाउन को ए काउंटेबल एवं बी अनकाउंटेबल में भी बांटा जा सकता है। अभी मैंने कुछ देर पहले आपको बताया था कि कुछ बुक्स क्या करते हैं, काउंटेबल में बांटते हैं, अनकाउंटेबल में बांटते हैं, और कुछ जो है पांचों में बांट देते हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और अबस्ट्रैक्ट नाउन। यहाँ पे इन्होंने दोनों में बांट के दिखाया है। तो पहला है काउंट नाउन को दो भागों में बांटा है, काउंटेबल में, अनकाउंटेबल में, इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। दिया हुआ है काउंटेबल नाउन, तो काउंटेबल नाउन वह नाउन होता है जिसकी गणना की जा सके, मतलब काउंटेबल नाउन दैट कैन बी काउंटेड, मतलब जिसे हम काउंट कर सके, ठीक है। तो जैसे वी बाउट सिक्स टेबल्स, तो यहाँ पे क्या है, मैंने छह टेबल्स खरीदी, तो यहाँ पे सिक्स है। आई हैव अ फ्यू फ्रेंड, मेरे कुछ मित्र हैं। सी सा मैनी मूवीज लास्ट मंथ, तो ये हमारा हो गया काउंटेबल नाउन, इन्हें हम काउंट कर सकते हैं। सेकेंड है अनकाउंटेबल नाउन, तो अनकाउंटेबल नाउन वह नाउन होता है जिसकी गणना नहीं की जा सके, मतलब जिसे हम गिन नहीं सकते। जैसे जे प्रिस्टली डिस्कवर्ड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को हम गिन नहीं सकते। दे डिसाइडेड टू सेल द फर्नीचर, फर्नीचर को हम गिन नहीं सकते। मच मनी वॉज वेस्टेड ऑन दिस शो, हम मनी को गिन नहीं सकते। अब बोलो सर मनी को तो गिनते हैं नहीं, हम मनी को नहीं गिनते, हम रुपये को गिनते हैं, ठीक है। जो नोट होता है, जो क्वाइन होता है, उसे हम गिनते हैं। मनी का मतलब हो गया दौलत, ठीक है, तो हम दौलत को नहीं गिनते। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखिएगा, एक चार्ट दिया हुआ है, उसमें दिया हुआ है काउंटेबल नाउन और इधर दिया हुआ है अनकाउंटेबल नाउन, इसे ध्यान से देखिएगा। एग्जाम्पल में दिया हुआ है क्या है, स्टार्स, सेकेंड्स, रुपीज, और अनकाउंटेबल में है मनी, टाइम, नॉलेज, ईटीसी। वर्ब में है सिंगुलर विद, सिंगुलर नाउन, यहाँ पे दिया उसका सिंगुलर विद, प्लूरल विद, मतलब अलग अलग चीजें दी हुई, किनके साथ क्या लगाएंगे, ठीक है। उधर दिया हुआ है सिंगुलर वर्ब, अनकाउंटेबल नाउन में सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। उसके बाद एडजेक्टिव के रूप में दिया हुआ है, उसके बाद आर्टिकल के रूप में दिया हुआ है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं आगे, आगे क्या है, आगे है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, और यही हमें पढ़ना है। रूल नंबर वन देखिएगा, रूल नंबर वन क्या है, तो कुछ नाउन्स का प्रयोग हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही होता है। अब इनको याद रखना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कुछ नाउन्स का प्रयोग जो है हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही होता है। इन नाउन्स के अंत में एस को हटाकर इन्हें सिंगुलर नहीं बनाया जा सकता, मतलब आप इनके लास्ट से एस हटा करके इनको सिंगुलर नहीं बना सकते। ये दिखने में भी प्लूरल लगते हैं और इनका प्रयोग भी प्लूरल की तरह ही होता है। ऐसे नाउन्स निम्न है, कौन कौन से नाउन है तो देखिएगा, सीजर्स, टोंग्स, प्लीसर्स, पिंसर्स, बेलोज, ट्राउजर्स, पैंट्स, पैजामाज, सॉल्ट, गैलॉज, फैंक्स, स्पेक्टिकल्स, गॉगल्स, बाइनोकुलर्स, आई ग्लासेस, आर्म्स, एमेंट्स, आर्चीव्स, एरन्स। उसके बाद है ऑस्पिस, कॉन्स्ट्रेशंस, एम्बेर्स, फायरवर्क्स, लॉगिंग्स, आउटस्कर्ट्स, पार्टिकुलर्स, प्रोसीड्स, रिगार्ड्स, रिचेज, रिमेन, सेविंग, सैम्बल, सराउंडिंग, टाइडिंग, प्रूफ, टैक्टिस, थैंक, वैल्यूएबल, वेस और बिलोंगिंग। तो ये इतने जो वर्ड्स हैं वो आपको याद रखने हैं कि इनका जो प्रयोग है ये दिखते भी प्लूरल फॉर्म में है और इनका यूज भी जो है हम किसके साथ करते हैं, तो प्लूरल के साथ करते हैं, ठीक है। और इनका हम सिंगुलर नहीं बना सकते, ऐसा नहीं कि सीजर्स में है लास्ट में एस लगा हुआ है तो आप एस हटा दो तो सिंगुलर बन जाएगा, नहीं। सिंपली इतना याद रखो, ये सब जो चीजें हैं, कुछ कुछ का ट्रिक मैं बता सकता हूँ कि देखो जिसमें दो चीजें हो, जैसे सीजर्स, तो सीजर्स में कितनी एक कैंची में कितने पार्ट होते हैं, तो दो पार्ट होते हैं ना। जैसे टोंग्स दिया हुआ है, चिमटा दिया हुआ है, तो चिमटा में भी दो पार्ट होता है, पैजामाज है, बाइनोकुलर से। तो ये सब एक तरीका है याद करने का, एक क्लू है कि हाँ जिसमें दो चीजें हैं तो वो हमेशा क्या रहेगा, प्लूरल रहेगा, ठीक है। और उनका हम सिंगुलर नहीं बना सकते, क्यों नहीं बना सकते, क्योंकि एक पार्ट को तोड़ करके आप नहीं काम चला सकते ना कैंची का। जैसे कैंची का आप एक पार्ट तोड़ दो, आप देखे हो कैंची कैसी होती है, तो कैंची एक इधर निकली हुई रहती है, एक इधर निकली हुई रहती है ना, ऐसे
तो आप इस पार्ट को तोड़ दोगे तो एक पार्ट से थोड़ी काम चलने वाला है, तो इसलिए हम इसका क्या नहीं बना सकते, सिंगुलर नहीं बना सकते, इस तरह से आप ध्यान में रख सकते हो। अगला है वेयर आर माई पैंट्स, ना कि वेयर इज माई पैंट्स, ठीक है, वेयर आर माई पैंट्स। उसके बाद है वेयर आर द टॉन्ग्स, चिमटा कहाँ है, तो वेयर आर द, ना कि वेयर इज द, ठीक है। उसके बाद द प्रोसीड्स वर डिपोजिट इन द बैंक, ऑल हिज एसेट्स वर सीज, आर्म्स आर, यानी कि देखो सब में हम क्या लगा रहे हैं, सब में हम प्लूरल वर्ब का यूज कर रहे हैं, क्योंकि ये क्या है प्लूरल फॉर्म में होते हैं जितने भी हैं। द एम्बर्स ऑफ द फायर विल स्टिल बर्निंग, तो इस तरह से आप याद रखिएगा। देखो यहाँ पे नोट में दिया हुआ है कि वेज का प्रयोग सिंगुलर एवं प्लूरल दोनों फॉर्म में किया जा सकता है, निम्नलिखित वाक्यों को देखें। अब जो वेज है, ठीक है, वेज का मतलब क्या होता है, मजदूरी होता है, ठीक है, वेज का मतलब मजदूरी भी होता है, परिणाम भी होता है। तो देखो दिया हुआ है क्या कि वेजेस, तो यहाँ पे देखो जब प्लूरल फॉर्म में यूज होता है मजदूरी का तो होता है वेजेस आर पेड इन कैश, मतलब किस में दिए जा रहे हैं वेजेस, तो कैश में दिए जा रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे जब परिणाम की बात हो जाए तो ये सिंगुलर होगा, वेजेस ऑफ हार्ड वर्क इज स्वीट, ठीक है, चलिए याद रखिएगा। अब देखिए दिया हुआ है क्या रूल नंबर टू, रूल नंबर टू भी ध्यान से आप देखोगे कि कुछ नाउन दिखने में प्लूरल लगते हैं लेकिन ये सिंगुलर होते हैं। अब कुछ नाउन मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में भी कि कुछ नाउन से ऐसे होते हैं जो दिखने में क्या लगेंगे, सिंगुलर लगेंगे, सॉरी प्लूरल लगेंगे लास्ट में, क्योंकि एस और ईएस लगा हुआ रहता है, लेकिन वो एक्चुअली में होते क्या है तो सिंगुलर होते हैं, इनका प्रयोग सिंगुलर फॉर्म में ही होता है। जैसे न्यूज, देखो लास्ट में एस लगा हुआ है तो आप सोचोगे नहीं प्लूरल है, नहीं ये सिंगुलर है। न्यूज, इनिंग्स, पॉलिटिक्स, समन्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, इथिक्स, मैथमेटिक्स, मम्प्स, मम्प्स बीमारी है, मीजल्स बीमारी है, रिकेट्स बीमारी है, सिंगल्स, बिलियार्ड्स गेम है, एथलेटिक्स भी गेम है, ठीक है। तो इन सब, ये सब जो है देखने में लगते हैं प्लूरल है लेकिन क्या है ये वास्तविकता में ये जो है वो सिंगुलर होते हैं, ठीक है। और इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का भी प्रयोग करेंगे आप, जैसे नो न्यूज इज गुड न्यूज, पॉलिटिक्स इज अ डर्टी गेम, इकोनॉमिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, और इथिक्स डिमांड्स ऑनेस्टी। क्लियर है आप, क्लियर हो गया? तो मतलब इतनी चीजें आपको याद रखनी है कि बिल्कुल ये सब दिखने में तो भले ही लगे प्लूरल लेकिन इनका प्रयोग जो आप करेंगे सिंगुलर के रूप में करेंगे। उसके बाद है रूल नंबर थर्ड, देखना है आपको कि कुछ नाउन दिखने में सिंगुलर लगते हैं लेकिन इनका प्रयोग हमेशा प्लूरल फॉर्म में होता है। अब कुछ ऐसे नाउन थे जो दिखने में लगेंगे क्या सिंगुलर है, क्योंकि इनके लास्ट में एस और ईएस नहीं रहता है लेकिन ये एक्चुअली में होते हैं प्लूरल है। जैसे कैटल, कैटल का मतलब क्या होता है मवेशी, ठीक है, मतलब क्या जैसे गाय भैंस भेड़ बकरी एक ही में जाके खेत में चरने जाते हैं ना, तो उसी को बोलते हैं कैटल। कैवलरी सेना होता है, इन्फेंट्री भी सेना होता है, पोल्ट्री पीसेंट्री, चिल्ड्रेन जेंट्री, पुलिस पुलिस पीपल, पुलिस और पीपल तो बिल्कुल याद रखिएगा, ठीक है, ये क्या है दिखने में सिंगुलर है लेकिन प्लूरल है। और साथ कभी भी एस नहीं लगाया जाता, इनके साथ हम क्या नहीं लगा सकते, कैटल्स नहीं कर सकते, चिल्ड्रेंस नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, आवर इन्फेंट्री हैव मार्च फॉरवर्ड, और पुलिस हैव अरेस्टेड द थीफ। ये सब क्या है, ये सब प्लूरल फॉर्म में यूज होते हैं, ठीक है। पुलिस का क्या, पीपल का क्या अर्थ होता है, तो देखो यहाँ पे पीपल का मतलब लोग, ठीक है, और पीपल्स का अर्थ क्या होता है, विभिन्न मूल वंश, ठीक है, क्या होता है विभिन्न मूल वंश के लोग होता है पीपल, पीपल्स का मतलब। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप एस कर देना। उसके बाद है रूल नंबर फोर, देखिएगा दिया हुआ है कि कुछ नाउन्स का प्रयोग केवल सिंगुलर फॉर्म में ही किया जाता है, अनकाउंटेबल नाउन्स हैं। देखो दिया हुआ है कि कुछ नाउन्स का प्रयोग जो है केवल सिंगुलर फॉर्म में ही किया जाता है, ये क्या है अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, इनके साथ आर्टिकल ए एन का प्रयोग भी नहीं किया जाता, जैसे सीनियरी, पोएट्री, फर्नीचर, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, हेयर, बिजनेस, मिसचीफ, ब्रेड, और यहाँ पे क्या है स्टेशनरी, क्रॉकरी, लगेज, बैगेज, पोस्टेज, नॉलेज, वेस्टेज, ज्वेलरी, ब्रेकेज, इक्विपमेंट, वर्क, वर्क, ये सब क्या है एविडेंस और वर्ड। तो ये सब क्या है, ये सब जो है हमेशा याद रखिएगा सिंगुलर फॉर्म में इनका यूज किया जाता है, और इनके पहले हम आर्टिकल का प्रयोग मतलब ए एन का प्रयोग हम नहीं कर सकते, ठीक है। तो एग्जाम्पल पढ़ लीजिए, द सीनियरी ऑफ कश्मीर इज वेरी चार्मिंग, मतलब कश्मीर का जो दृश्य है वो क्या है बहुत ही ज्यादा चार्मिंग है। आई एम नो इन्फॉर्मेशन अबाउट हर रेजिडेंस, मतलब उसके निवास स्थान का मेरे पास कोई भी क्या नहीं है, इन्फॉर्मेशन नहीं है। उसके बाद द मिसचीफ कमिटेड बाय हिज इज अनपार्डनेबल, मतलब उसकी जो गलती है क्षमा योग्य नहीं है। हिज हेयर इज ब्लैक, और आई हैव बाउट सम इक्विपमेंट दैट आई नीडेड फॉर द प्रोजेक्ट, ठीक है। जहाँ पे इक्विपमेंट जो भी है, इक्विपमेंट मतलब क्या होता है, थोड़ा बोल सकते हो आप जरूरत के सामान या हथियार वगैरह, औजार वगैरह, ठीक है। तो ये भी क्या है सिंगुलर है, और इनके पहले आप इज सॉरी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे।
अब दिया हुआ है इन नाउन्स का बहुवचन नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। अब इनका हम क्या नहीं बना सकते, तो इनका हम बहुवचन यानी कि प्लूरल नहीं बना सकते। जैसे आप सीनियरी का सीनियरीज नहीं कर सकते, इंफॉर्मेशन का इंफॉर्मेशंस नहीं कर सकते, फर्नीचर का फर्नीचर्स नहीं कर सकते, हेयर का हेयर्स नहीं कर सकते, ठीक है। ये सब लिखना क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। उसके बाद है, यदि उक्त नाउन का सिंगुलर या प्लुरल दोनों फॉर्म में आवश्यकता हो तो इनके साथ कोई शब्द जोड़े जाते हैं। अगर हमें प्लुरल फॉर्म में इनका करना है या फिर सिंगुलर फॉर्म में करना है तो इनके साथ कुछ वर्ड्स यूज करते हैं, एक्स्ट्रा जोड़ते हैं। जैसे देखो, ही गेव मी अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो यहाँ पे हम जोड़ेंगे अ पीस ऑफ, ठीक है। उसके बाद ऑल पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब अ पीस ऑफ लगा करके हमने सिंगुलर बना दिया और ऑल पीसेस ऑफ लगा करके हमने क्या बना दिया, प्लुरल बना दिया इंफॉर्मेशन को। उसी तरह से मेनी काइंड्स ऑफ, ठीक है, तो मेनी काइंड्स ऑफ फर्नीचर। उसके बाद दिया हुआ है आई वॉन्ट अ फ्यू आर्टिकल्स ऑफ ज्वेलरी। और उसके बाद देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो है वह है ही एट टू स्लाइस ऑफ ब्रेड। तो यहाँ पे जब हमें प्लूरल बनाना हुआ तो हमने टू स्लाइस ऑफ ब्रेड कर दिया। तो इस तरह से आप इसे याद रख सकते हो, ठीक है। उसके बाद हम एक नोट पढ़ लें, यहाँ पे नोट ध्यान है देना है, मनी का प्लूरल फॉर्म मनीज हो सकता है, ठीक है, जिसका अर्थ निकलता है सम ऑफ मनी, ठीक है। तो याद रखिएगा, मनी का प्लूरल फॉर्म जो है मोनीज हो सकता है और इसका अर्थ क्या निकलेगा, तो सम ऑफ मनी निकलेगा। उसके बाद देखो यहाँ पे दिया हुआ है क्या, रूल नंबर 5 देखिएगा। देखो दिया हुआ है कि कुछ नाउन्स प्लूरल एवं सिंगुलर दोनों में एक ही रूप में रहते हैं। कुछ नाउन जो है प्लूरल एवं सिंगुलर दोनों एक ही रूप में रहते हैं, जैसे डियर, सीप, सीरीज, स्पीसीज, फिश, क्रू, टीम, जूरी, एयरक्राफ्ट और काउंसिल, ठीक है। ये सब जो है दोनों एक ही में रहेंगे, मतलब क्या सिंगुलर भी यही है, प्लूरल भी यही है। और क्वेश्चन यही से दिया जाता है, डियर से, मोस्टली क्वेश्चन डियर और सीप से ही होते हैं कि दे दिया जाता है, ठीक है। तो ये क्या है, सिंगुलर भी यही है, प्लूरल भी यही है, तो डियर का डियर्स करने की आप कोशिश ना करें। उसके बाद दिया हुआ क्या, एग्जाम्पल्स, आवर टीम इज द बेस्ट, हमारी टीम क्या है, बेस्ट है, ठीक है। उसके बाद क्या है, आवर टीम आर ट्राइंग देयर न्यू यूनिफॉर्म। उसके बाद है देयर आर टू फिश इन द पॉन्ड। उसके बाद दिया हुआ देयर आर मेनी फिशेस इन द एक्वारियम। तो फिशेस का अर्थ हो गया यहाँ पे विभिन्न प्रजातियों की मछलियाँ, ठीक है, फिशेस का मतलब हो गया यहाँ पे विभिन्न प्रजातियों की मछलियाँ। अब देखो दिया हुआ है कि हाइपेंटेड नाउन, हाइपेंटेड नाउन क्या होता है, देखो हाइपेनेटेड नाउन का प्रयोग कभी भी प्लूरल में नहीं होता। वो क्या क्या है, देखो दिया हुआ है ही गेव मी 200 रुपीज नोट। तो यहाँ पे देखो रुपीज को रुपी में परिवर्तित करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे रुपीज जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, देखना ध्यान से, दिया हुआ है क्या, ही गेव मी 200 रुपीज। तो यहाँ पे टू देख करके यहाँ पे आपको रुपीज नहीं करना है, ठीक है। तो इसी को क्या बोलते हैं, हाइपेनेटेड नाउन कहते हैं, ठीक है। और इनका जो प्रयोग है हम प्लूरल में नहीं करते। उसके बाद देखो क्या दिया हुआ, ही स्टेज इन 5 स्टार होटल्स। तो यहाँ पे 5 स्टार्स नहीं होगा, यहाँ पे होगा 5 स्टार होटल, ठीक है। तो याद रखिएगा, इनके साथ हम प्लूरल फॉर्म में यूज नहीं करते हैं। उसके बाद है देखना, कुछ नाउन्स का प्रयोग लोग बोलचाल की भाषा में करते हैं, कुछ नाउन्स का प्रयोग लोग जो है बोलचाल की भाषा में करते हैं, लेकिन वास्तव में उनका प्रयोग करना बिल्कुल गलत होता है। मतलब हम ऐसे नॉर्मली बोल देते हैं, लेकिन हमें मतलब जो रियलिटी है, जो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, आपको देखना है ग्रामर के व्यू से, ठीक है, बोलचाल की भाषा से नहीं देखना है। जैसे देखो हम क्या बोलते हैं, हम बोल देते हैं ही इज माई कजिन ब्रदर। इससे रिलेटेड बहुत एक क्वेश्चन आए हुए हैं एसएससी में, खास करके ध्यान दीजिएगा, ठीक है। दिया हुआ है कि हम बोलते हैं ही इज माई कजन ब्रदर, ठीक है, वो मेरा जो है कजन ब्रदर, लेकिन नहीं, यहाँ पे आपको क्या लगाना है, कजन लगाना है, ठीक है। कजन का मतलब भी होता है चचेरा मचेरा और फुफेरा मौसेरा, भाई या बहन, ठीक है। तो अगर वो लड़की भी है, वो बहन भी है, तो आपको कजिन बोलना है, ठीक है। और अगर वो भाई भी है तो कजिन ही बोलना है आपको, लास्ट में कजिन ब्रदर या कजिन सिस्टर नहीं लगाना है, ठीक है, तो याद रखिएगा। उसके बाद है पिक पॉकेटर। देखो पिक पॉकेटर का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे होता है जो जेब कतरे होते हैं ना, जेब कतरे मतलब जो जेब काट लेते हैं चोर होते हैं, तो यहाँ पे पिक पॉकेट होता है, राइट, क्या हो जाएगा, पिक पॉकेटर नहीं होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो गुड नेम नहीं होता है, यहाँ पे सिंपली नेम होता है। और बिग स्मॉल ब्लंडर नहीं होता, नॉर्मली क्या होता है, ब्लंडर, जिसका अर्थ होता है बड़ी भूल, ठीक है। बोलते हैं ना कि अब तो ब्लंडर मिस्टेक हो गया मेरे से, तो ब्लंडर मिस्टेक का मतलब क्या हो गया, बड़ी भूल, ठीक है। तो आता बिग का अर्थ यहाँ पे क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, बिग और स्मॉल ब्लंडर ना लिख के और डायरेक्ट वहां पे ब्लंडर लिखे। उसके बाद स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग ब्रीज। तो देखो स्ट्रॉन्ग ब्रीज, ब्रीज का मतलब क्या होता है, यहाँ पे ब्रीज का मतलब हवाएं भी होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग वाइंड लगाना है, क्या लगाना है, विंड, विंड का मतलब क्या, हवा, ठीक है। उसके बाद बैड ड्रीम नहीं, यहाँ पे नाइट मेयर का यूज करना है। तो इतने नाउन्स आपको याद रखने पड़ेंगे और याद आप रखोगे भी। उसके बाद है
निम्नलिखित नाउंस में भी हमें कंफ्यूजन रहता है, मतलब कुछ ऐसे नाउंस हैं जिसमें हमें कंफ्यूजन होता है, जैसे देखो फ्लोर, ठीक है, फ्लोर, अस्किल, और उसके बाद क्या है, एनवे। तो यहाँ पे भी देखो दिया हुआ है कि आप फ्लोर की जगह पे आप ग्राउंड यूज करें, ठीक है, स्किल की जगह पर टैलेंट यूज करें। देखो मतलब क्या है, स्किल का मतलब होता है, यहाँ पे यूज करने की बात नहीं की जा रही, यहाँ पे बात की जा रही है कि मतलब क्या होता है। फ्लोर का मतलब फर्श होता है, ठीक है, फ्लोर का मतलब क्या हुआ, फर्श बोलते हैं ना, फ्लोर पे दाल गिर गई। उसके बाद ग्राउंड, ग्राउंड का मतलब क्या होता है, जमीन। स्किल का मतलब होता है सीख कर प्राप्त करते हैं, कोई भी चीज जब सीख कर हम प्राप्त करते हैं तो उसे स्किल कहते हैं। टैलेंट क्या कहते हैं, तो टैलेंट देखो जन्म से होता है, ठीक है, टैलेंट जो है व्यक्ति में जन्म से होता है। एनवे, एनवे का मतलब क्या होता है, ईर्ष्या, जो दूसरों को, दूसरों की चीजें देखकर हो, मतलब जलन बोलते हैं ना, जो दूसरों की चीजें को देखकर हमें जलन होता है, लेकिन जेलसली है तो ईर्ष्या, जो अपनी चीजों के खोने के डर से हो, मतलब अपनी चीजें जो खो जाएंगी उसके डर से जो ईर्ष्या होती है उसे हम क्या कहते हैं, जेलस कहते हैं, ठीक है, जेलसली कहते हैं। चलिए अब आगे देखिएगा, अगला है रूल नंबर 8, समझिएगा रूल नंबर 8 को। कुछ नाउंस जो अर्थ में प्लुरल होते हैं लेकिन यदि इनके पूर्व किसी निश्चित संख्यात्मक विशेषण यानी डेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाए तो इन नाउंस को प्लुरलाइज नहीं किया जाता, जैसे पेयर, स्कोर, ग्रोज, स्टोन, 100, डजन, 1000, मिलियन, बिलियन। मतलब क्या है, जैसे यहाँ पे देखो आई हैव टू पेयर ऑफ सूजेज, तो यहाँ पे क्या हो गया, आई हैव टू पेयर्स ऑफ सूजेज, ठीक है। उसके बाद सेकंड देखिएगा, आई हैव 200 रुपीज ओनली, मेरे पास केवल 200 रुपए हैं। सी परचेज 3 डजन पेंसिल्स, उसने कितने, 3 दर्जन पेंसिल खरीदी थी। उसके बाद ही हैज ऑलरेडी डोनेट 5000 रुपीज, मतलब वो ऑलरेडी कितने 5000 रुपये डोनेट कर चुका है, ठीक है। लेकिन यदि इनके साथ इंडेफिनेट काउंटेबल का प्रयोग हो, ठीक है, इंडेफिनेट काउंटेबल का प्रयोग हो तो इनके प्लुराइज किया जाता है, मतलब इन्हें हम प्लुरल फॉर्म में कर सकते हैं। जैसे कैसे, तो यहाँ पे देखो डजन्स ऑफ वुमेन क्या हो जाएगा, डजन्स ऑफ वुमेन, हंड्रेड्स ऑफ पीपल, मिलियंस ऑफ डॉलर्स, स्कोर्स ऑफ शॉप्स, मेनी पेयर ऑफ सूजेज, इस तरह से हम इसका यूज कर सकते हैं। जैसे 100 ऑफ पीपल केम टू सी द फेयर, मतलब सैकड़ों लोग जो हैं क्या देखने आए हैं, तो मेला देखने आए हैं, ठीक है। ही डोनेटेड मिलियंस ऑफ रुपीज, मतलब उसने मिलियंस ऑफ रुपीज को क्या किया, डोनेट किया। अब रूल नंबर 8 9 समझिएगा, यदि किसी नाउन के बाद प्रीपोजिशन का प्रयोग हो और फिर वही नाउन रिपीट हो तो नाउन सिंगुलर फॉर्म में होना चाहिए। मतलब क्या है कि अगर नाउन के पहले किसी सॉरी नाउन के बाद किसी प्रीपोजिशन का प्रयोग हो और फिर से वही नाउन रिपीट हुआ जो प्रीपोजिशन के पहले रिपीट हुआ था तो नाउन जो है सिंगुलर फॉर्म में होना चाहिए। जैसे टाउन आफ्टर टाउन वाज डिवेस्टेड, ठीक है, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ध्यान से देखिएगा, बहुत बार ही मैंने देखा है, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है कि टाउन आफ्टर टाउन वाज डिवेस्टेड, रो रो अपॉन रो ऑफ मार्बल बुक्स ब्यूटीफुल। यहाँ पे देखो रो यहाँ पे भी सिंगुलर होगा और रो जो है यहाँ पे भी सिंगुलर होगा, ठीक है, मतलब प्रीपोजिशन के पहले वाला भी नाउन क्या होगा, सिंगुलर होगा, और प्रीपोजिशन के बाद वाला नाउन भी सिंगुलर होगा। जैसे यहाँ पे टाउन जो है यहाँ पे भी टाउन सिंगुलर है फर्स्ट में और सेकंड में भी सिंगुलर है, ठीक है। तो ही इंक्वायर फ्रॉम डोर टू डोर, तो यहाँ पे भी सिंगुलर होगा दोनों। और शिप आफ्टर शिप इज अराइविंग, तो यहाँ पे भी दोनों जो शिप है वो सिंगुलर होगा, याद रखिएगा। इस तरह के वाक्यों में टाउन आफ्टर टाउन देखो दिया हुआ है कि इस तरह के वाक्यों में टाउन्स आफ्टर टाउन्स, रोज अपॉन रोज, डोर्स टू डोर्स या शिप्स आफ्टर शिप्स लिखना क्या होता है, गलत होता है, और इसी तरह से क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। रूल नंबर 10 देखिएगा, कॉमन जेंडर नाउन, जैसे कॉमन जेंडर का मतलब क्या हुआ, देखो जेंडर कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के जेंडर होते हैं, ठीक है। पहला होता है मैस्कुलिन जेंडर, ठीक है, दूसरा होता है फेमिनिन जेंडर, तीसरा होता है कॉमन जेंडर, और चौथा होता है न्यूटर जेंडर। तो मैस्कुलिन का मतलब जो मेल जाति को शो करे, फेमिनिन का मतलब जो फीमेल जाति को शो करे, काउंटेबल सॉरी कॉमन का मतलब जो दोनों को शो करे। जैसे टीचर, तो टीचर मैंने बोल दिया, तो टीचर लड़की भी होती है, टीचर लड़का भी होता है, मतलब मेल भी होता है फीमेल भी होता है। जैसे मैंने कहा डॉक्टर, तो डॉक्टर क्या मेल भी होते हैं फीमेल भी होती है, स्टूडेंट मेल भी फीमेल भी, तो वही है। और न्यूटर का मतलब जो कीड़े मकोड़े या फिर निर्जीव वस्तु जो होते हैं उनके लिए न्यूटर का यूज करते हैं। तो दिया हुआ है कि कॉमन जेंडर नाउन जैसे टीचर, स्टूडेंट, चाइल्ड, क्लर्क, एडवोकेट, वर्कर, राइटर, लीडर, म्यूजिशियन, ईटीसी, ऐसे नाउन जिनका प्रयोग मेल एवं फीमेल दोनों के लिए किया जाता है, इन्हें ड्यूल जेंडर भी कहा जाता है। अतः इस तरह के नाउन का प्रयोग सिंगुलर में किया जाता है, सामान्यतः ही हिज हिम का प्रयोग किया जाता है। जैसे एवरी लीडर शुड परफॉर्म हिज ड्यूटी, ठीक है, तो लीडर के लिए यहाँ पे किसका यूज किया गया, हिज का यूज किया, ठीक है। उसी तरह से अ टीचर शुड परफॉर्म हिज
ड्यूटी सिंसियरली, यहाँ पे भी किसका प्रयोग किया गया, तो हिज का प्रयोग किया गया, मतलब इनके लिए हम ही हिज हिम का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, तो इनके लिए हम ही हिज हिम का प्रयोग करते हैं, ठीक है। यहाँ विवाद का विषय यह है कि हम मैस्कुलिन जेंडर ही हिज का ही प्रयोग क्यों करें, ठीक है। यहाँ पे क्या है, विवाद का विषय हो जाता है कि इसका प्रयोग क्यों करें। तो इस संबंध में यदि मैटर हो तो आवश्यक उसे स्पष्ट कर देना चाहिए। चलिए देखिए, दिया हुआ है वर्ड्स डिनोटिंग ग्रुप्स, मतलब जो डिनोट करते हैं ग्रुप्स को, यानी कलेक्टिव नाउन की बात की जाएगी। तो ये सब याद रखिएगा, ये सब आपको रटना पड़ेगा, ठीक है। तो जितना रटोगे उतना ज्यादा फायदा होगा आपको। जैसे अ बैंड ऑफ म्यूजिशियन, ठीक है, तो अ बैंड ऑफ म्यूजिशियन होता है, म्यूजिशियन का क्या होता है, बैंड होता है। अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, तो जो डायरेक्टर्स का होता है वो बोर्ड होता है। अ बेबी ऑफ गर्ल्स, वुमेन ऑफिसर्स। अ बंच ऑफ क्रैप, अ बंडल ऑफ स्टिक्स एंड हे। अ कारवा ऑफ मर्चेंट्स, पिलग्रीम्स और ट्रेवलर्स। अ चेन ऑफ रेंज, अ चोर ऑफ द सिंगर्स, चोर होता है, याद रखिएगा। उसके बाद है अ क्लास ऑफ अ स्टूडेंट, अ रेटिन्यू ऑफ द सर्वेंट्स। उसके बाद है अ क्लम्प ऑफ ग्रुप्स, या फिर ट्रीज बोल सकते हो। उसके बाद है अ कोड ऑफ लॉज। उसके बाद है अ क्लस्टर ऑफ कॉन्स्टलेशन ऑफ या गैलेक्सी ऑफ स्टार्स। तो ये मैं आपको इसलिए पढ़ के बता रहा हूँ ताकि आपको एक बार रिकॉल हो जाए, ठीक है, ताकि आप रिकॉल कर लो एक बार। उसके बाद अ कंपनी या रेजिमेंट या आर्मी ऑफ सोल्जर्स, या अ कॉन्वे ऑफ शिप्स कार ईटीसी मूविंग अंडर, जो भी हो दिया हुआ है। अ कोर्स ऑफ सीरीज ऑफ लेक्चर्स, अ क्रू ऑफ सेलर्स, या फिर अ क्राउड या मोब ऑफ पीपुल, मतलब लोगों की भीड़। अब इधर देखिएगा 19 से, कि अ करिकुलम ऑफ स्टडीज, अ फ्लाइट ऑफ स्टेप स्टेयर्स, या फिर अ फ्लीट ऑफ शिप्स और मोटर कार्स, या फिर अ फ्लॉक ऑफ ग्रीस गीज शीप और बर्ड्स। उसके बाद है अ गैंग ऑफ रॉबर्स और लेबर्स। उसके बाद है अ गार्लैंड बंच और बुके ऑफ फ्लावर्स। उसके बाद होता है अ हीप ऑफ र्यून सैंड या स्टोन। अ हर्ड ऑफ कैटल, अ लीटर ऑफ पपीज, अ पैक ऑफ हॉर्न्स दिया हुआ है और कार्ड्स दिया हुआ है। उसके बाद है यहाँ पे कि पेयर ऑफ शूज सीजर्स और कंपासस ट्राउजर्स, अ सीरीज ऑफ इवेंट्स, अ शेप ऑफ कॉर्न या फिर एरोज, या फिर अ स्वार्म ऑफ एंट्स, बियर बीज और फ्लाइज, अ ट्रेन ऑफ कैरिज फॉलोअर्स या ईटीसी। उसके बाद है अ ट्रूप ऑफ हॉर्सेज स्काउट्स। उसके बाद है अ वॉली ऑफ शॉट्स। उसके बाद है अ फॉरम ऑफ पीपल, और लास्ट है अ कॉन्ग्रीगेशन ऑफ पीपल। तो इतने चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी, रटनी पड़ेंगी, बार बार लिख लिख के रिपीट करो इसे आप, तो सही रहेगा। तो उसके बाद क्या दिया हुआ है, नाउन जेंडर, ठीक है, मतलब जेंडर हमें पढ़ना है। तो जेंडर मैंने आपको अभी तुरंत बताया कि जेंडर चार प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो जेंडर को चार भागों में विभाजित किया गया है। पहला है मैस्कुलिन जेंडर, तो जो पुरुष जाति को शो करे यानी मेल सेक्स को व्यक्त करे उसे हम कहेंगे मैस्कुलिन जेंडर। जैसे टाइगर, पावर, वायलेंस, ठीक है, फादर, सन, समर, टाइम, थंडर। उसके बाद फेमिनिन जेंडर, तो फेमिनिन जेंडर का मतलब जो फीमेल सेक्स को व्यक्त करे, जैसे क्या होता है, टाइग्रेस, वुमेन, लायनेस, मदर, सिस्टर, पीस, नेचर, अर्थ, गॉडेस। उसके बाद है कॉमन जेंडर, तो कॉमन जेंडर का मतलब होता है उभयलिंगी, ठीक है, मतलब जो दोनों शो करे, मेल और फीमेल दोनों। तो यहाँ पे दिया हुआ है क्या, जो स्त्री और पुरुष दोनों के लिए प्रयुक्त हो, जैसे क्या उसे कॉमन जेंडर कहते हैं, जैसे चाइल्ड। अब चाइल्ड में मेल चाइल्ड भी हो सकता है, फीमेल चाइल्ड भी हो सकता है, बेबी में मेल बेबी भी और फीमेल बेबी भी, टीचर में भी मेल टीचर भी, फीमेल टीचर भी, सर्वेंट, स्टूडेंट, कजिन, इन्फेंट, थीप और नाइबर। उसके बाद न्यूट्रल जेंडर, न्यूट्रल जेंडर का मतलब होता है नपुंसक लिंग, मतलब क्या, ऐसे नाउन जो उस निर्जीव वस्तुओं को व्यक्त करते हैं जो ना मेल है और ना ही फीमेल है, और न्यूट्रल जेंडर कहलाते हैं। जैसे कॉपी, बुक, रूम, पेपर, टीवी, बॉक्स एटसेट्रा, ये सब क्या है, न्यूट्रल जेंडर है। उसके बाद आते हैं कि रूल्स ऑफ चेंजिंग मैस्कुलिन नाउन टू फेमिनिन नाउन, यानी मैस्कुलिन से फेमिनिन में चेंज करने के कुछ क्या है रूल्स हैं, ठीक है। तो वो रूल्स क्या क्या है वो आप समझ लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए वो रूल्स क्या है एक बार। दिया हुआ है कुछ केसेस में मैस्कुलिन नाउन के बाद ES, ESS लगाने से फेमिनिन बन जाता है, तो कुछ केसेज में, ठीक है, आप सारे केसेज में ये नहीं बोल सकते, बस कुछ केसेज ऐसे हैं जिनमें हम लास्ट में ES लगा के हम उसका क्या बना देते हैं, तो प्लूरल बना देते हैं। जैसे देखो ऑथर का मतलब होता है लेखक, ठीक है, तो ऑथर का ऑथरेस हो गया, लास्ट में हमने ES, ESS लगा दिया। होस्ट का मतलब मेजबान होता है, तो हॉस्टल लगा दिया, ES, ESS लगा दिया। ज्यू का मतलब होता है यहूदी, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ज्यूस हो जाएगा, यहूदनी। उसके बाद मेयर, ठीक है, तो मेयर का मेयरेस, पोएट का पोएटेस, ट्यूटर का ट्यूटरेस, सेफर्ड का सेफर्डेस, जियांट का जियांटेस, हेयर का हेयरेस, लाइन का लाइनेस, प्रिस्ट का मतलब क्या होता है, पुजारी, प्रिस्टेस, ठीक
टेलर का टेलरेस, क्लियर हो गया। उसके बाद क्या है, एम्परर का एम्प्रेस, गवर्नर का गवर्नरेस, ड्यूक का ड्यूकेस, ठीक है, डचेस, गॉड का गॉडेस, मास्टर का मिस्ट्रेस, सॉर्सेसर का सॉर्सेरेस। तो ये सब कुछ रूल्स हैं, ठीक है। अब रूल नंबर टू की तरफ बढ़ते हैं। रूल नंबर टू क्या है, रूल नंबर टू है कुछ ऐसे केसेज हैं, कुछ केसेज में मैस्कुलिन नाउन के अंतिम वोवेल एवं उसके पहले आने वाले कॉन्सोनेंट को हटाकर ई डबल एस जोड़ने से फेमिनिन बन जाता है। जैसे देखो एक्टर है, ठीक है, तो एक्टर में क्या है, ACTOR होता है एक्टर, लेकिन जब एक्ट्रेस लिखते हैं तो हम क्या लगाते हैं, ACTRE, यानी कि हम क्या करते हैं वहां पे वॉवेल को कॉन्सोनेंट में, सॉरी, ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ अंतिम वॉवेल एवं उसके पहले आने वाले कॉन्सोनेंट को हटा देते हैं। तो हमने देखो यहाँ पे हटा दिया ओ आर को और यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, ईडबल एस लगा दिया, ठीक है। तो याद रखिएगा, तो ये हमारा क्या हो गया, एक्ट्रेस, बेनिफेक्टर का बेनिफेक्ट्रेस, हंटर का हंट्रेस, प्रिंस का प्रिंसेस, वेटर का वेट्रेस, एम्बेसडर का एम्बेस्ट्रेस, डायरेक्टर का डायरेक्ट्रेस, निग्रो का निग्रेस और टाइगर का टाइग्रेस हो गया, ठीक है। उसके बाद देखेंगे रूल नंबर थर्ड, देखिएगा ध्यान से, कि कुछ केसेस में मैस्कुलिन नाउन के शब्दों में कुछ चेंज किया जाता है और अंत में ES लगाने से फेमिनिन नाउन बन जाता है। तो देखो क्या होता है, कुछ चेंज करके हम बनाते हैं, जैसे इम्पेरर का इम्पेरेस हो गया, अभी तुरंत बता चुका आपको, गवर्नर का गवर्नरेस हो गया, तो ये सब मोस्टली आपको याद ही होगा, ठीक है, तो ये सब आपको याद करने की जरूरत नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे केसेस में कंपाउंड नाउन, देखो दिया हुआ, कुछ केसेस में कंपाउंड मैस्कुलिन नाउन के फर्स्ट अथवा सेकंड शब्दों में कुछ परिवर्तन किया जाता है। अब ये आप याद रखिएगा, इसमें क्या होता है कि जो कुछ केसेज है उनमें बस हम चेंज करते हैं, जैसे मेन सर्वेंट होता है ना, मैन सर्वेंट, तो मैन सर्वेंट को फेमिनिन बनाने के लिए हम सिर्फ मैन को चेंज करते हैं मेड में, ठीक है। तो मेड सर्वेंट, वॉशरमैन का वॉशर वुमेन हो जाता है, डक बक रैबिट का हो जाता है ड्यो रैबिट, ब्रदर इन लॉ का हो जाता है सिस्टर इन लॉ, ही बियर का सी बियर, बुल काल्फ का काउ काल्फ, जैक एस का जेनी एस, हेडमास्टर का हेड मिस्ट्रेस, मिल्कमैन का मिल्क मेड हो जाता है, पोस्ट मास्टर का पोस्ट मिस्ट्रेस हो जाता है। आगे पढ़ता हूँ, देखिए दिया हुआ है कि पीकॉक का पीहेन हो जाएगा, लैंडलॉर्ड का लैंडलेडी, फादर इन लॉ का हो जाएगा मदर इन लॉ, स्टेप फादर का स्टेप मदर, ही गॉट का सी गॉट, कॉक स्पैरो का हो जाएगा हैन स्पैरो, डॉग वुल्फ का हो जाएगा बिच वुल्फ, स्टेप ब्रदर का हो जाएगा स्टेप सिस्टर और ग्रैंड सन का ग्रैंड डॉटर। अब देखो दिया हुआ है रूल नंबर फाइव क्या है, तो रूल नंबर फाइव है फॉरेन वर्ड्स एवं अन्य विविध शब्दों में के लिए, मतलब जो फॉरेन वर्ड्स हैं, ठीक है, तो मैस्कुलिन एवं फेमिनिन जेंडर नीचे दिए गए हैं, इनको किसी विशेष नियम के तहत परिवर्तन नहीं करते हैं, मतलब इनके लिए कोई स्पेशल रूल नहीं है, ये आपको याद करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है एडमिनिस्ट्रेटर, तो यहाँ पे दिया हुआ है एडमिनिस्ट्रेटिक्स, ठीक है। उसके बाद एग्जीक्यूटर, तो एग्जीक्यूटिक्स, लैड, लैड का मतलब क्या, लड़का, लैस का मतलब लड़की, तो ये याद रखिएगा आप। उसके बाद है प्रोजिक्यूटर्स, ये भी बताया, प्रोजिक्यूटिव, सुल्तान का सुल्ताना होता है, बुअर का सौ होता है, ठीक है, ब्रदर का यहाँ पे होता है सिस्टर, कॉल्ड का फिली, डॉग, डॉग का मतलब क्या होता है, कुत्ता, तो यहाँ पे बिच, कुतिया, फिर बक का हो जाएगा यहाँ पे डो, अर्ल का हो जाएगा काउंटेस, मॉन्क का नन, गैंडर का गूज, हार्ट का रो, हॉर्स का जो यहाँ पे हो जाएगा मेयर, किंग का क्वीन, मैन का वुमेन, मिस्टर का मिसेज, सीप का यहाँ पे हो जाएगा यू, सन का हो जाएगा डॉटर, अंकल का आंट और फॉक्स का विक्सेन। और देखिए यहाँ पे है फॉक्स का विक्सन के बाद यहाँ पे देखो ऑक्स का काऊ हो जाएगा, उसके बाद जो है जार का हो जाएगा कैजेरिना, उसके बाद हीरो का हीरोइन, टेस्टर का यहाँ पे हो जाएगा टेस्ट्रिक्स, बैचलर का मेड, बॉय का गर्ल, कॉक का हैन, ड्रैक का डक, ड्रोन का बी, बुल का यहाँ पे देखो बुल का काऊ, फादर का मदर, ब्राइडग्रूम का क्या होता है ब्राइट, जेंटलमैन का लेडी, उसके बाद देखो यहाँ पे दिया हुआ है ही का सी, हस्बैंड का वाइफ, लॉर्ड का लेडी, मेल का फीमेल, नेफ्यू का नीस, सर का मैडम, ठीक है, आप यहाँ पर डैम भी बोल सकते हो। उसके बाद क्या है विडोवर, विडोवर का विडो और विजार्ड का विच। तो इतनी चीजें आप याद रखिए, रट जाइए इसे, टाइम दीजिए इस पे, आपको याद हो जाएगा धीरे धीरे करके। अब है नाउन एंड नंबर, मतलब सिंगुलर टू प्लुरल, ठीक है, तो बचपन में पढ़ते आ रहे हैं सिंगुलर टू प्लुरल चेंज करने के लिए, तो उसमें कुछ रूल्स हैं जो कि हम दोबारा रिवाइज कर लेते हैं इसे, ताकि एक बार रिकॉल हो जाए। जी, सिंगुलर नाउन किसे कहते हैं, तो सिंगुलर नाउन का मतलब क्या हुआ, इससे एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का बोध होता है, जैसे बॉय है, गर्ल है, टेबल है, मतलब जिसे सिर्फ एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध हो। प्लूरल क्या होता है, तो जिसे एक से अधिक व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध हो उसे हम प्लूरल नाउन कहेंगे, जैसे सिटीज, बॉयज, गर्ल्स, ठीक है। अब कुछ रूल्स है वो हम देख लेते हैं कि रूल इसके क्या क्या हैं। तो
तो सबसे पहला है कुछ नाउन्स के अंत में, जो नॉर्मली रूल है वो है कुछ नाउन्स के अंत में हम एस लगा करके क्या बना देते हैं, इनका प्लूरल बनाते हैं। जैसे बॉय, तो बॉय का मतलब लड़का, तो बॉयज हो गया तो लड़के हो गया, गर्ल का गर्ल्स हो जाता है, काइट का काइट्स हो जाता है, और टेलीफोन का टेलीफोन्स हो जाता है। ठीक है, तो ये तो नॉर्मल हो गया हमारा रूल। सेकेंड है हमारा क्या, रूल नंबर टू देखना, जिन नाउन के अंत में एस डबल एस सी एच एस एस जेड और एक्स लगा रहे, तो उसके लास्ट में हम क्या जोड़ते हैं, तो ई एस जोड़ते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। जैसे देखो, बस का बसेस, वॉच का वॉचेज, एस का एस एस, फिक्स का फिक्सेस, चर्च का चर्चेज, फॉक्स का फॉक्सेस, स्विच का स्विचेज, ठीक है, कैनवास का कैनवासेस, मतलब क्या लगाते हैं, ई एस लगाते हैं, क्लास का क्लासेज, क्विज का क्विजेज, ठीक है, इस तरह से हम इसे बनाते हैं। और देखो यहाँ पे दिया हुआ है क्या, जैसे टैक्स का टैक्सेस, बॉक्स का बॉक्सेस, डिस का डिसेस, कोच का कोचेस, और कुछ एक्सेप्शन है, ठीक है, इनमें कुछ एक्सेप्शन है वो ध्यान से देखिएगा। जैसे अस्टमक, तो अस्टमक का अस्टमक्स हो जाता है, मतलब सिंगल एस लगाते हैं हम, ठीक है, लोकस का लोसी हो जाता है, रेडियस के रेडियाई हो जाता है, ठीक है, और ऑक्स का क्या हो जाता है, ऑक्सन हो जाता है। उसके बाद देखिएगा रूल नंबर थर्ड क्या है, तो कुछ नाउन्स के अंत में ओ आता है, कुछ नाउन्स के अंत में क्या आता है, ओ आता है, एवं उससे पूर्व कोई व्यंजन यानी कि कॉन्सोनेंट हो, तो प्लूरल नाउन बनाने के लिए नाउन के अंत में ईएस लगाते हैं। जैसे हीरो, तो हीरो का क्या होता है, हीरोज, ठीक है, मॉस्किटो का मॉस्किटोज, कार्गो का कार्गोज, पोटेटो का पोटेटोज, मैंगो का मैंगोज, और इको का इकोज होता है। क्लियर हो गया आपको? अब देखिएगा यहाँ पे ध्यान से अगर आप, कि कुछ एक्सेप्शन भी है इनमें, ठीक है, तो एक्सेप्शन देखिए क्या है, डायनेमो का डायनेमोज हो जाता है, ठीक है, मतलब ई एस ना लग के सिर्फ हम एस लगाते हैं, रेशियो का रेशियोज हो जाता है, सोलो का सोलोज हो जाता है, मोमेंटो का मेमेंटो का मेमेंटोज, पियानो का पियानोज, और फोटो का फोटोज, तो ये सब कुछ एक्सेप्शन है, ठीक है। अब रूल नंबर फोर पे ध्यान दीजिएगा आप, रूल नंबर फोर क्या है, तो यदि किसी नाउन के अंत में डबल वॉवेल हो, मतलब लास्ट में डबल वॉवेल आए, तो सिर्फ एस लगा करके हम उसका प्लूरल बनाते हैं। जैसे बी, बी के लास्ट में क्या है, डबल वॉवेल है, डबल ई है, तो बीज हो जाएगा, ठीक है, तो जू का जूज हो जाएगा, वू का वूज हो जाएगा, ट्री का ट्रीज हो जाएगा, रेडियो का रेडियोज, और पोर्टफोलियो का हो जाएगा पोर्टफोलियोज, ठीक है। अब जो रूल है, रूल नंबर फाइव ध्यान से देखिएगा क्या है, तो यदि नाउन के अंत में वाई रहे और वाई से पूर्व कोई कॉन्सोनेंट रहे, मतलब क्या, लास्ट में वाई है और वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट है, तो वाई की जगह पे आई ई एस लगाने से का प्लूरल बन जाता है। जैसे देखो, क्राई का क्राइज हो जाता है, कंट्री का कंट्रीज, फैमिली का फैमिलीज, क्योंकि लास्ट में वाई है, वाई से पहले क्या है, वावेल है, तो हम क्या करेंगे, आई एस जोड़ देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो फिर क्या है, सिटी का सिटीज हो जाता है, उसके बाद क्या है, लॉरी का लॉरीज हो जाता है, पॉनी का पॉनीज, डिक्शनरी का डिक्शनरीज, और रिप्लाई का रिप्लाईज। अब देखो अगला जो दिया हुआ है, रूल नंबर सिक्स देखिएगा, यदि नाउन के अंत में वाई आए एवं वाई से पूर्व कोई वॉवेल आता है, तो एस लगाने से उसका प्लूरल बन जाता है। जैसे देखो, की का कीज, ठीक है, उसके बाद क्या है, देखो लास्ट में वाई है, वाई से पहले क्या है, वॉवेल है, ई है, उसके बाद रे का रेज, वे का वेज, टो का ट्वाइज, ठीक है, उसके बाद क्या है, डंकी का डंकीज, मंकी का मंकीज, वैली का वैलीज, लास्ट में आई ई एस नहीं लगाना है आपको, सिंपली वाई लगा देना है, वाई लगा हुआ रहेगा, आपको एस लगा देना है, स्टोरी का स्टोरीज, अस्टोरे है, अस्टोरे का स्टोरेज। उसके बाद रूल नंबर सेवन देखिएगा, दिया हुआ है यदि नाउन के अंत में एफ या एफ ई आए, तो प्लूरल बनाने के लिए एफ या एफ ई को हटाकर हम क्या लगा देते हैं, वी ई एस लगा देते हैं, और यहीं से क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर, ठीक है, एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन पूछता है। देखो, देख देगा आपको वाइफ, और वाइफ का क्या होता है, वाइफ्स हो जाता है, ना कि वाइफ्स होता है, एस लगा के हम इसका प्लूरल नहीं बनाते। काल्व का काल्व्स हो जाता है, ठीक है, वाइफ का वाइफ्स हो जाता है, वुल्फ का वुल्फ्स हो जाता है, यानी कि एफ को हटा करके हम वी ई एस लगा देते हैं। लीव का लीव, सेफ का सेफ, हाफ का हाफ, थीप का थीप, लाइफ का लाइफ, नाइफ का नाइफ, और लोफ का लोफ, तो इस तरह से आप इसे याद रखें। अगला है कि इसके कुछ एक्सेप्शन है, ठीक है, मतलब एक्सेप्शन है कुछ के, इसके जो है, बिलीव का बिलीव्स होता है, क्लिफ का क्लिफ्स होता है, ग्रीफ का ग्रीफ, प्रूफ का प्रूफ्स होता है, सेफ का सेफ्स होता है, टर्फ का टर्फ्स होता है, और चीप का चीप्स होता है, ड्वाफ का ड्वाफ्स होता है, और गल्फ का गल्फ्स होता है, रूफ का रूफ्स होता है, अस्काफ का स्काफ्स होता है, ब्रीफ का ब्रीफ्स होता है, तो इनमें आप वी ई एस लगाने की कोशिश ना करें। अब रूल नंबर एट देखिएगा, रूल नंबर एट क्या कहता है, तो ध्यान से देखिएगा, कंपाउंड नाउन में कुछ शब्द के साथ एस लगाने से उसका प्लूरल बन जाता है, मतलब क्या, कुछ कंपाउंड नाउन होते हैं, जैसे हम बोलते हैं ना ब्रदर इन लॉ, तो इनमें सिंपली इतना याद रखिए, जो मेन वर्ड है, कौन सा वर्ड है, जो मेन वर्ड है उसी को हम क्या बनाते हैं, उसी को हम प्लूरल बनाते हैं, बाकी को वैसे का तैसा छोड़ देते हैं। जैसे ब्रदर इन लॉ में हम सिंपली बनाएंगे ब्रदर्स इन लॉ, क्योंकि मेन वर्ड इसमें ब्रदर है, तो ब्रदर्स इन लॉ। बेडरूम में क्या हो जाएगा, बेडरूम्स हो जाएगा। कमांडर इन चीफ में क्या होगा, कमांडर इन चीफ हो जाएगा, कमांडर्स इन चीफ। उसके बाद स्टेप डॉटर में क्या हो जाएगा, स्टेप डॉटर्स। मेड सर्वेंट में हो जाएगा मेड सर्वेंट।
पी हेन में हो जाएगा पी हेन्स, पी कॉक में हो जाएगा पी कॉक्स, ठीक है। उसके बाद क्या है, मदर इन लॉ में हो जाएगा मदर्स इन लॉ, सिस्टर इन लॉ में सिस्टर्स इन लॉ, मेंबर ऑफ में मेंबर्स ऑफ, पार्लियामेंट में पार्लियामेंट ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद मेन हेटर में हो जाएगा मेन हेटर्स, उसके बाद हो जाएगा वुमेन लवर में वुमेन लवर्स, और मेन लवर में हो जाएगा मेन लवर्स। तो ये याद रखिए आप। उसके बाद है रूल नंबर 9। रूल नंबर 9 क्या कहता है वो ध्यान से सुनिएगा। निम्न नाउन में ऐसे है, निम्न नाउन ऐसे है जिनका प्लुरल बनाने के लिए इनसाइड वॉवेल को परिवर्तित करते हैं, मतलब इसके अंदर में जो वॉवेल है उसको चेंज करते हैं। जैसे मेन का मीन हो जाता है एम ई एन, फुट का फिट हो जाता है, माउस का माइस हो जाता है, गूज का गीज हो जाता है, वुमेन का वेमेन हो जाता है, और टूथ का टीथ हो जाता है, लूज का हो जाता है लाइस, और ओसिस का हो जाता है ओसिस, ठीक है। अब देखिएगा आगे रूल नंबर 10। तो रूल नंबर 10 क्या कह रहा है, निम्नलिखित नाउन ऐसे हैं जिनका प्लूरल बनाने के लिए ईएन जोड़ना पड़ता है। तो चाइल्ड का चिल्ड्रन आपको पता है, और ऑक्स का ऑक्सन आपको पता है, तो ये आपको उतना ध्यान नहीं देना है अगर आपको पता है तो। अब है रूल नंबर 11 जो इम्पोर्टेंट है हमारा, ठीक है, और इसे बहुत ध्यान से बड़े ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं प्रयास करूंगा कि आपको आसान से आसान माध्यम से मैं समझा सकूं। यहाँ पे दिया हुआ है क्या, कुछ नाउन्स के दो तरह के प्लूरल बनते हैं, मतलब एक नाउन रहेगा और उनका दो तरह का प्लूरल बनता है और दोनों का अर्थ जो है अलग निकलेगा, तो उसे ध्यान से हमें देखना पड़ेगा। पहला है ब्रदर, तो देखो ब्रदर का ब्रदर्स होता है और ब्रेदरन भी होता है, ठीक है। ब्रदर का ब्रदर्स भी हो गया, मतलब ब्रदर का ब्रदर्स भी हो गया, ब्रेदरन भी हो गया। तो जब ब्रदर्स किन के लिए यूज करेंगे, तो सन ऑफ द सेम पेरेंट्स, मतलब एक ही पेरेंट्स से जो बच्चे जन्म लेते हैं तो उसको हम बोल सकते हैं कि ये मेरा भाई है, मतलब ये मेरा क्या है ही बोलेंगे, दे आर माय ब्रदर्स, क्या बोल सकते हैं हम, दे आर माई ब्रदर्स। लेकिन ब्रेदरन हम कहाँ पे यूज करेंगे, तो जैसे सोसाइटी में मोहल्ले के किसी भी लड़के को हम बोल देते हैं ना भैया बोल देते हैं भाई बोल देते हैं, तो वहां पे हम क्या यूज करेंगे, ब्रेदरन का यूज करेंगे। बहुत ध्यान से समझिएगा, ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट है और यहीं से क्वेश्चन आते हैं। तो जब ब्रदर्स की बात आए तो मतलब एक ही पेरेंट से माता पिता से जन्मे बच्चे, लेकिन जब ब्रिदरन की बात आए तो मतलब गली मोहल्ले का भाई, ठीक है, जिससे हमारा खून का रिश्ता ना हो और उसे हम बोलते हैं कि भैया, ठीक है, या फिर भाई, तो वहां पे हम ब्रिदरन का यूज करेंगे। उसके बाद है क्लोथ, तो क्लोथ का भी दो तरह का होता है, एक होता है क्लोथ्स और एक होता है क्लोथेस, ठीक है, लास्ट में एस लगा करके एक में ई एस लगा करके। तो देखो जहां पे क्लोथ्स आए तो उसका मतलब हो जाएगा अनस्टिच क्लोथ, मतलब जो बिना सिया हुआ, ठीक है, बिना सिया हुआ कपड़ा रहेगा उसको बोलेंगे क्लोथ, यानी सिंगल एस वाला। और ई एस वाला किसको बोलेंगे, तो जो सिया हुआ कपड़ा है, जो कपड़ा सिला हुआ है उसे हम कहेंगे क्लोथ, यानी ई एस वाला। उसके बाद है देखो डाई, ठीक है, तो डाई का मतलब क्या होता है, डाई का मतलब रंगना, ठीक है। तो यहाँ पे देखो डाई के जो बनाएंगे वो बनाएंगे डाइज, और एक होता है डाइस। तो देखो डाइज का मतलब क्या, स्टाम्प यूज फॉर द प्रिंटिंग एंड कॉइनिंग, मतलब जो हम क्वाइन बनाने के लिए और जो नोट बनाने के लिए डाई का प्रयोग करते हैं उसको हम बोलेंगे डाइस, ठीक है। और डाइस किसको बोलते हैं, तो डाइस का मतलब होता है जिससे हम लूडो खेलते हैं क्यूब, ठीक है, तो उसमें हम डाइस का यूज करेंगे DIC। उसके बाद है इंडेक्स, तो इंडेक्स का भी दो प्लूरल होता है, एक होता है इंडेक्सेस और दूसरा होता है इंडाइसेस। तो इंडेक्सेस हम वहां पे यूज करेंगे टेबल ऑफ कंटेंट इन अ बॉक्स बुक, ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे इंडेक्स। और साइन यूज इन अलजेब्रा, और अलजेब्रा में जो साइन यूज करते हैं हम वो यूज करते हैं इंडाइसेस का। अब जो दिया हुआ है वो ध्यान से दीजिएगा कि सम टाइपिकल प्लूरल नाउन, लैटिन वर्ड लैटिन के कुछ शब्द जिनके अंत में अम लगा रहे हैं, यानी कि यूएम आता है, एक वचन होते हैं, इनको प्लूरल बनाने के लिए यूएम हटाकर ए लगा देते हैं। जैसे देखो डेटम, तो डेटम का होता है डाटा, हम जो यूज करते हैं ना डाटा, बोलते हैं ना डाटा, तो वो जो है प्लूरल फॉर्म यूज करते हैं, ठीक है, उसका जो सिंगुलर होगा वो होगा डाटम, ठीक है। उसके बाद ओवम है, तो ओवम का ओवा होता है, एजेंडम का एजेंडा होता है, डिक्टम का डिक्टा होता है, मेमोरेंडम का मेमोरेंडा होता है, और स्टार्टम का होता है स्टार्टा। अब चलिए आगे देखते हैं, अगला जो बात है वो इम्पोर्टेंट है, दिया हुआ इम्पोर्टेंट, लैटिन के निम्न शब्दों पर ध्यान दें, इन शब्दों के पीछे अम आता है लेकिन इनका प्लूरल बनाने हेतु पीछे एस लगता है। जैसे अजाइलम, तो अजाइलम का मतलब क्या होता है, अजाइलम्स, ठीक है, तो देखो अजाइलम का मतलब शरणार्थी, तो याद रखिएगा। उसके बाद क्या है म्यूजियम, म्यूजियम का म्यूजियम्स हो जाता है, प्रीमियम का प्रीमियम्स हो जाता है, फॉरम का फॉरम्स हो जाएगा, और पेंडुलम का पेंडुलम्स हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब आगे देखिएगा कि कुछ लैटिन वर्ड्स के अंत में अस आता है, इनका प्लूरल अस को आई के आई में बदलकर बनाया जाता है। अब कुछ ऐसे हैं जैसे रेडियस, तो रेडियस का क्या होता है, प्लूरल रेडियाई होता है। सिलेबस का क्या होता है, सिलेबाई होता है, ठीक है। अब देखो दिया हुआ है ग्रीक, कुछ ग्रीक शब्द हैं,
के अंत में आईएस आता है और इनका प्लूरल आईएस को हटाकर ईएस में चेंज करते हैं। जैसे एनालिसिस, तो एनालिसिस का होता है एनालिसिस, क्राइसिस का होता है क्राइसिस, ठीक है, हिपोथेसिस का होता है हिपोथेसिस, बेसिस का होता है बेसिस, और थीसिस का होता है थेसिस। अब देखो डी 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 में क्या है, कुछ ग्रीक शब्द हैं और इनके अंत में ऑन आता है, इनका प्लूरल ऑन को ए में बदलने से होता है। जैसे फिनोमिनन, तो फिनोमिनन का होता है फिनोमेना, ठीक है, क्राइटेरियन का होता है क्राइटेरिया। अब देखो आगे है ई में, ध्यान से देखिएगा ई को, कई नाउन अन्य कई नाउन्स के प्लूरल निम्न प्रकार से बनते हैं। जैसे देखो इफ का इफ्स होता है, फाइव का फाइव्स होता है, बीए का बीएज होता है, बट का बट्स होता है, टेन का टेन्स होता है, एमए का एमएज होता है, आईए का आईएज होता है, पी का पीज होता है, एटीएम का एटीएम्स होता है, टी का टीज होता है, एमपी का एमपीज होता है, और यूपीसी का होता है यूपीज, ठीक है। तो ये सब भी कुछ है, इनको भी ध्यान में रखिएगा। अब जो है वो दिया हुआ है, कुछ नाउन्स के सिंगुलर एवं प्लुरल के अंत अर्थ पूर्णतः अलग अलग होते हैं। अब कुछ ऐसे नाउन्स है जिनका सिंगुलर अलग रहेगा, सिंगुलर मीनिंग अलग निकलता है और प्लुरल मीनिंग अलग निकलता है, तो इनको बहुत सावधानी से आप देखिएगा। जैसे एयर, एयर का मतलब होता है क्या है, हवा, ठीक है, और एयर्स जब आ गया तो इसका मतलब दिखावटी व्यवहार करना, ठीक है। तो इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, बिलीव करो बहुत क्वेश्चन आते हैं इससे रिलेटेड, ठीक है। तो दिया हुआ क्या, एयर, एयर का मतलब क्या, हवा, और एयर्स का मतलब क्या, दिखावटी, ठीक है, दिखावटी व्यवहार। रिटर्न का मतलब क्या, वापसी, और रिटर्न्स का मतलब क्या होता है, आय का हिसाब, ठीक है। आयरन का मतलब क्या होता है, लोहा, और आयरन का मतलब होता है जंजीर। अस्टेंड का मतलब रेत, अस्टेंड्स का मतलब रेगिस्तान, वुड का मतलब लकड़ी, और वुड्स का मतलब क्या होता है, जंगल। एब्यूज का मतलब क्या, दुरुपयोग करना, और एब्यूज का मतलब क्या होता है, कुरीतियां। गुड का मतलब होता है अच्छा, गुड्स का मतलब क्या होता है, सामान या माल भी बोल सकते हो आप। उसके बाद वेटर, सॉरी वाटर, वाटर का मतलब पानी, और वाटर्स का मतलब क्या होता है, समुद्र होता है, ठीक है। मतलब हमने क्या इसको प्लुरल बना दिया, तो ये हमारा क्या हो गया, समुद्र वगैरह हो गया। उसके बाद बात आ रही है किसकी, वर्क का, वर्क का मतलब होता है काम, और वर्क्स का मतलब होता है साहित्य लेख। फ्रूट का मतलब फल, और फ्रूट्स का मतलब नतीजा, ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए फ्रूट वाला। उसका विट, विट का मतलब क्या होता है, वाक्पटुता, और विट्स का मतलब क्या होता है, बुद्धिमता, ठीक है। आपको इडियम में फ्रेजेस में भी मैंने याद करवाया था, एट विट्स एंड, यानी बुद्धि का भ्रम नष्ट हो जाना। उसके बाद देखो यहाँ पे दिया हुआ है जी में, कुछ नाउन्स का सिंगुलर फॉर्म में एक अर्थ होता है, कुछ नाउन्स का सिंगुलर फॉर्म में एक अर्थ होता है परंतु प्लुरल फॉर्म में एक से अधिक अर्थ होता है। जैसे देखो कस्टम का मतलब रिवाज हो गया सिंगुलर फॉर्म में, ठीक है, लेकिन जैसे ही कस्टम्स आया तो कस्टम्स का मतलब बहुत सारा होता है, रिवाज भी होता है, सीमा शुल्क भी होता है, बोलते हैं ना कस्टम्स सर्विस, मतलब क्या देना पड़ेगा आपको, सीमा शुल्क। उसके बाद मैनर, मैनर का मतलब क्या होता है, तरीका, लेकिन मैनर्स हो गया तो मैनर्स का मतलब हो गया तरीके और शिष्टाचार। उसके बाद पेन, पेन का मतलब दर्द होता है, लेकिन इधर पेन्स आ गया तो पेन्स का मतलब दर्द भी होता है और अथक प्रयास भी होता है। क्वार्टर का मतलब क्या हो गया, एक चौथाई। अब क्वार्टर्स का मतलब क्या हो गया, तो क्वार्टर, देखो यहाँ पे ध्यान देना, क्वार्टर्स यहाँ पे क्वार्टर का मतलब एक चौथाई आपको पता है, लेकिन जब क्वार्टर्स बोलते हैं तो हो जाता है हमारा आवास, तो बोलते हैं ना मुझे, ये नहीं बोलेंगे कि हाँ मुझे क्वार्टर मिला है, क्वार्टर नहीं, आपको बोलना है मुझे क्वार्टर्स मिला है, ठीक है। मतलब किसी को सरकारी घर मिलता है ना, सरकारी रूम मिलता है, क्वार्टर्स मिलता है, तो वो बोलता है नहीं मुझे क्वार्टर मिला है सरकार की तरफ से, नहीं मुझे गवर्नमेंट की तरफ से क्वार्टर्स मिले हैं, ठीक है, क्वार्टर्स मिला है तो बोलेंगे, तब सही होगा। उसके बाद लेटर, लेटर का मतलब है चिट्ठी, ठीक है, और जैसे ही मैंने लेटर्स कहा तो लेटर्स का मतलब हो जाता है अक्षर, आपको भी पता है ना लेटर्स, और चिट्ठिया साहित्य भी होता है। अब जो दिया हुआ है यहाँ पे देखना ध्यान से, अब यहाँ पे एपोस्ट्रॉफ की बात आती है, ठीक है, तो एपोस्ट्रॉफी आपने अगर पढ़ी होगी, एपोस्ट्रॉफी एस, तो वहां पे बहुत लोग मिस्टेक करते हैं एपोस्ट्रॉफी एस लगाने में। तो देखो दिया हुआ है क्या, एपोस्ट्रॉफी का प्रयोग पजेसिव केस के लिए निम्नलिखित स्थिति में करना उचित है। मतलब जब हम क्या बताते हैं, पजेसिव अधिकार बताते हैं, जैसे मोहनस बुक, मतलब क्या, जीवित वस्तु के लिए हम क्या यूज करते हैं, मोहनस बुक, मोहन की किताब, काउज हॉर्न, गाय की सींग, वुमेन्स पर्स, मतलब महिला का पर्स, ठीक है। उसके बाद है सेकंड में देखना, जब किसी निर्जीव, ठीक है, या निर्जीव का मानवीयकरण करा जाता है, ठीक है, तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, तो देखो सन्स फरी, नेचर्स लव। उसके बाद देखो थर्ड देखना, समय, भार एवं जगह संबंधित नाउन के साथ हम एपोस्ट्रॉफी एस का यूज कैसे करेंगे, तो देखो अ डेज लीव, एक दिन की छुट्टी, आर्म्स लेंथ मतलब एक हाथ की दूरी, ठीक है, अ पाउंड्स वेट मतलब एक पाउंड का वेट। उसके बाद है कुछ सम्मानजनक नाउन के साथ, जैसे कोर्ट्स ऑर्डर्स और ड्यूटीज कॉल। उसके बाद कुछ फ्रेजेज हैं, कुछ फ्रेजेज क्या है, एट वंस विट्स एंड मतलब बुद्धि का भ्रम नष्ट हो जाना, मैंने आपको याद करवाया था। उसके बाद है एट अ स्टोन्स थ्रो मतलब बहुत नजदीक, तो इनके साथ एपोस्ट्रोफियस का यूज किया जा रहा है, मतलब इसका मतलब क्या होता है का, ठीक है, तो यहाँ पे बुद्धि का भ्रम नष्ट हो जाना, ठीक है, और थोड़े हाथ का दूरी की दूरी,
यहाँ पे भी का यूज हो रहा है, तो एपोस्ट्रॉफी इसका मतलब था का, ठीक है। जैसे मोहन बुक मतलब मोहन की किताब, क्लियर हो गया आपको। अब देखिए अगला, आगे क्या बोल रहा है कि यदि प्लुरल शब्द का अंतिम अक्षर एस है तो एपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करते समय एस नहीं लगाते। अगर लास्ट में ही क्या आ गया, प्लुरल शब्द में एस आ गया, तो उसमें हम एपोस्ट्रॉफी एस में एस नहीं लगाते, सिर्फ हम क्या लगाते हैं, कॉमा लगाते हैं। और इससे क्वेश्चंस मैं देख चुका हूँ एग्जाम में, ठीक है। जैसे बॉयज कॉलेज, ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या है, गर्ल्स कॉलेज, और यहाँ पे क्या है, वर्किंग वुमेन्स हॉस्टल। तो यहाँ पे बॉयज कॉलेज, तो लास्ट में क्या आ रहा है, एस आ रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे फिर से एपोस्ट्रॉफी एस नहीं लगाएंगे, सिर्फ हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, एपोस्ट्रॉफी कॉमा लगा देंगे, ठीक है। तो वही लगाया गया है, बॉयज के बाद देखो एपोस्ट्रॉफी कॉमा लगाया गया है, कॉलेज मतलब क्या, लड़कों का कॉलेज, लड़कियों का स्कूल। उसके बाद है जब नाउन सिस्कार ध्वनि, सिस्कार ध्वनि का मतलब क्या होता है, बोलते हैं सिस्कारी ले रहा है, तो जब सिस्कार ध्वनि से खत्म में खत्म हो तो भी एस नहीं लगता है। जैसे देखो फोर पीज सेक, फोर कॉन्शियसनेस सेक, फोर गुडनेस सेक, और फिर जेसस सेक। तो देखो यहाँ पे सिस्कारी की बात की जा रही है, तो सब क्या लगा रहे हैं हम, लास्ट में सिर्फ एपोस्ट्रॉफी कॉमा लगा दे रहे हैं, ठीक है। गणेश बुक, तो याद रखिएगा ये सब हम। उसके बाद देखो दिया हुआ है क्या, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, पॉजेसिव प्रोनाउन हिज हर्स योर्स आवर्स देयर्स के साथ एपोस्ट्रॉफियस नहीं लगाते, इनके साथ हम नहीं लगाएंगे एपोस्ट्रॉफियस, ठीक है। जैसे योर्स फेथफुली, योर्स ट्रूली, हम जब भी लेटर लिखते हैं तो लास्ट में लिखते हैं ना योर्स फेथफुली, ठीक है। और उसके बाद मतलब आपका विश्वासी, योर्स ट्रूली, तो इन सब में हम एपोस्ट्रॉफियस का यूज नहीं करेंगे। उसके बाद है निम्न टाइटल्स के साथ एपोस्ट्रॉफी अंतिम शब्द के साथ ही लगाते हैं। जैसे देखो क्या है, कमांडर इन चीफ, तो यहाँ पे लास्ट में हम चीफ के साथ एपोस्ट्रॉफियस लगाएंगे, ठीक है। ये नहीं कि आप सिर्फ कमांडर में लगा देना। उसके बाद है माई सन्स इन लॉ, ठीक है, तो माई सन इन लॉ में लास्ट में हम लॉज में लगाएंगे एपोस्ट्रॉफियस, ठीक है। उसके बाद है एफ में, देखिएगा निर्जीव वस्तु के साथ एस का प्रयोग नहीं करते हैं, ऑफ का प्रयोग करते हैं, ठीक है। मतलब अगर कोई निर्जीव वस्तु की बात की जा रही है, तो निर्जीव वस्तु में हम एपोस्ट्रॉफी एस का यूज ना करके उसके बदले किसका यूज करते हैं, ऑफ का यूज करते हैं। जैसे टेबल्स लेग, मतलब टेबल का पैर, ठीक है, तो यहाँ पे लेग ऑफ टेबल का प्रयोग करें, यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेग ऑफ टेबल का प्रयोग हो जाएगा, ना कि टेबल्स लेग, ठीक है। याद रखिएगा हम एपोस्ट्रॉफी एस सिर्फ सजीव के लिए यूज करते हैं, और निर्जीव के लिए हम ऑफ का प्रयोग करते हैं। अब देखो डबल एपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग ना करें। अब हम क्या करते हैं, कभी कभी डबल एपोस्ट्रॉफी एस रहता है तो उसको हम प्रयोग कर लेते हैं, तो उसका हम प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे दिया हुआ है माई वाइफ सेक्रेटरीज मदर हैज एक्सपायर्ड, नहीं ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो सही क्या होगा, माई, देखो सही जो होगा वो होगा द मदर ऑफ माई वाइफ सेक्रेटरी हैज एक्सपायर्ड, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे वाइफ में भी एपोस्ट्रॉफी लगा हुआ है, और यहाँ पे सेक्रेटरी में भी एपोस्ट्रॉफी लगा हुआ है, जो कि गलत है। तो होगा क्या, द मदर ऑफ माई वाइफ सेक्रेटरी हैज एक्सपायर्ड, क्लियर हो गया आपको। और एक और एग्जाम्पल देखिए, मिसेस शर्मा द सोसाइटी, यहाँ पे एपोस्ट्रॉफी लगाया गया, और यहाँ पे चेयर्समैन में भी एपोस्ट्रॉफी लगाया गया, लेकिन नहीं ये नहीं होगा। तो सही क्या होगा, द प्रपोजल ऑफ मिसेस शर्मा द चेयर पर्सन ऑफ सोसाइटी वॉज रिजेक्टेड बाई द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी, ये सही होगा हमारा। अब जो यहाँ पे लास्ट हमारा है एच पार्ट, वो देखिएगा एनीबडी, नो बडी, एवरी बडी, समबडी, एनी वन, समवन, नो वन और एवरी वन के साथ एस का प्रयोग किया जाता है। कैसे, तो एवरी वंस कॉन्सर्न इज नो वंस कॉन्सर्न। उसके बाद क्या है, एवरी बडी बिजनेस इज नो बडी बिजनेस, यानी ये डायलॉग किसका है, सलमान खान का, आपने सुना होगा है ना, एवरी बडीज बिजनेस इज नो बडी बिजनेस। तो इस इनके बाद जो है इज का प्रयोग हो, तो एपोस्ट्रॉफी एस को इल्स के साथ लगाते हैं। ध्यान दीजिएगा, इससे एक क्वेश्चन मैंने देखा तो बहुत दिनों पहले, ठीक है। और तो क्या है, दिया हुआ है कि यदि इनके बाद, किसके बाद, तो एनीबॉडी के बाद, नोबॉडी के बाद, एवरीबॉडी के बाद इल्स का प्रयोग हो, किसका प्रयोग हो, इल्स का प्रयोग हो, तो जो एपोस्ट्रॉफी एस आएगा वो इल्स के ऊपर ही आएगा। एग्जाम्पल क्या है, आई कैन रिले ऑन योर वर्ड्स, मतलब मैं तुम्हारे शब्दों पे भरोसा कर सकता हूँ, नॉट समबडी इल्स। तो यहाँ पे समबडी पे हम एपोस्ट्रॉफी एस लगा नहीं लगा करके हम किस पे एस लगाएंगे, एपोस्ट्रॉफी, तो इल्स पे लगाएंगे। उसी तरह से आई ऑब्बे योर ऑर्डर्स एंड नोबडी इल्स, तो यहाँ पे भी इल्स के ऊपर हम क्या लगाएंगे, एपोस्ट्रॉफी एस लगाएंगे। तो यहाँ समबडी इल्स या नोबडी इल्स लिखना गलत हो जाएगा, ये नहीं कि आप समबडी या फिर नोबडी पे आप एपोस्ट्रॉफी एस लगा दो। तो इस तरह से हमारे नाउन का चैप्टर होता है खत्म, और बचता है हमारा स्पॉटिंग पार्ट। तो ये पहले आप करने की कोशिश करो, इन सब की वीडियोज में मैं बना दूंगा बाद में,
अभी एग्जाम है अभी, इसलिए ये हमारा जो है इम्पोर्टेंट चीज़ें ये है वो करना जरूरी है। तो वीडियो कैसी लगी, वीडियो अगर पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी आपको, और जितना हो सके शेयर करें, और चैनल पर अगर आप नए हो तो प्लीज़ ज़रूर से सब्सक्राइब करें, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोज आपको मिलेगी हमारे चैनल पर। तो मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।